नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम में जगह दी गई थी, लेकिन वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए और उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। अब उन्हें टीम में अपनी जगह बनाने के लिए पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। वरुण चक्रवर्ती बेहद प्रतिभाशाली हैं और उन्हें रहस्यमयी स्पिनर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए और सिलेक्ट किए जाने के बावजूद वो टीम से बाहर हुए, ये उनके करियर के लिए अच्छा नहीं ही कहा जा सकता है। वरुण चक्रवर्ती का आईपीएल 2020 में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था और वो इस सीजन में फाइफर लेने वाले एकमात्र गेंदबाज थे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में भी वो टीम का हिस्सा थे, लेकिन कंधे में इंजरी की वजह से वो डेब्यू नहीं कर पाए थे और एक बार फिर वो फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद डेब्यू से वंचित रह गए। NCA में वो यो-यो टेस्ट में फेल हो गए थे, लेकिन उनके इस तरह से फेल होने के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि हमें उस प्रणाली को समझने की जरूरत है जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बनाई गई है। हमें फिटनेस और स्किल्स के उच्च स्तर पर काम करना चाहिए और यही कारण है कि हम अपने देश में खेलते समय उच्चतम स्तर पर हैं। विराट कोहली ने साफ तौर पर कहा कि टीम इंडिया का हिस्सा बनने के लिए खिलाड़ियों को बनाए गए अहम नियमों का पालन करना चाहिए और उस संबंध में यानी फिटनेस को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वरुण के फिटनेस के मामले में भी BCCI के एक सोर्स ने PTI से कहा था कि वो कंधे में चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम से बाहर हो गए थे और इसकी वजह से उनका चयन किया गया था। उन्होंने अपनी इंजरी रिकवरी कर ली थी और NCA में रिहैब करने के बाद वो नॉर्मल थ्रो कर रहे थे। वो कम से कम 2 बार 2 किलोमीटर रन टेस्ट और यो-यो टेस्ट को क्लियर करने में विफल रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।